रामगढ़ में रेलवे कर्मचारियों द्वारा एनपीएस पेंशन योजना को बंद करने के लिए रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों द्वारा रेलवे बाल मंदिर से होते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर नारेबाजी कर वित्त मंत्री का रेलवे स्टेशन के सामने पुतला दहन किया। यूनियन नेता कोमल सिंह ने बताया कि एनपीएस योजना अगर सरकार बंद नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम संसद का भी घेराव करेंगे। आज हमारी यूनियन के द्वारा आलोट में भी इस बात को लेकर पुतला दहन किया जा रहा है। ये आंदोलन 6-7 दिन से चल रहा है। रेलवे में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाथूखेड़ी में क्वार्टर के ऊपर टंकी रख दी, मगर भ्रष्टाचार के कारण पानी नहीं जा रहा, स्टेशन बना वो भी बिल्कुल जर्जर। ऐसे काम आजकल रेलवे में देखने को मिल रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर आज रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा रैली निकालकर वित्त मंत्री का पुतला फूंका। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में सरकार द्वारा कर्मचारियों का कुछ पैसा एवं सरकार पैसा मिलाकर शेयर मार्केट में लगाती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि पैसा कितना मिलेगा। पहले जब पेंशन दी जाती थी उससे उसको मरते दम तक पेंशन मिलती थी और परिवार को लेकर चलता था, परिवार का पालन पोषण करता था। इस बात को लेकर एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा यह काम कर लोगों को जागृत करने का काम किया जा रहा है। यह आंदोलन 25 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक चलेगा। 6 तारीख को कोटा डिवीजन में भी जाकर पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। कि इसमें जितना पैसा कर्मचारियों को कटता है उतना ही सरकार मिलाने का काम करती है, और ये जब सब मिल के क्लब होके ये पैसा देश के शेयर मार्केट में लगाने का काम किया जाता है, तो शेयर मार्केट की स्थिति से आप और हम सब वाकिफ हैं, किस दिन डाउन हो जाए किस दिन उठ जाए, और इससे लोगों को अल्टीमेटली कर्मचारियों को नुकसान है। गारंटेड पेंशन स्कीम में ये सुविधा है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद उसे निश्चित रूप से पेंशन मिलने का काम होता है, लेकिन इस एनपीएस के अंदर आपको सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई पेंशन इसके अंदर मिलने का काम नहीं होता है। आज के हालात में आपको बता दूं कि पेंशन के सहारे परिवार चलने का काम हो रहा है, कई परिवार पेंशन पर डिपेंडेंट है, और पेंशन एक समाज कल्याण मंत्रालय के तहत सामाजिक सुरक्षा के तहत रेलवे कर्मचारी या जो भी केंद्रीय कर्मचारी उनको मिलने का काम होता है, सामाजिक गारंटी के तहत मिलने का काम होता है। सरकार ने उसको सब्सिडी मानते हुए उसको बंद करने का काम किया, वो रेल के कर्मचारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और इस इश्यू को लेकर हम पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी 25 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसमें एक एनपीएस के इश्यू को लेकर पूरे डब्ल्यूसीआर के अंदर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर पूरा एक मुहिम चलाने का काम हो रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है, और जब हम कार्यस्थलों पर गए लोगों के तो वहां पता चला है कि लोगों को इस इश्यू को लेकर वाकई आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने गारंटेड पेंशन स्कीम भी देखी है और न्यू पेंशन स्कीम के मेरिट डिमेरिट भी वो समझने का काम कर रहे हैं। इसलिए रेल का कर्मचारी एनपीएस को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए कमर कस के हर रण में उतरने के लिए तैयार है, और हमारी टॉप लीडरशिप ने इसका प्लानिंग तैयार किया हुआ है। आज यहाँ पे हमने पुतला दहन किया है, 6 नवंबर को डिवीजन स्तर पे इसका होने का काम होगा, और इसी तरह चरणबद्ध तरीके से हम संसद का घेराव करेंगे, और जो भी जिस स्थिति तक लड़ना होगा उस स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार।